Hello everyone, this is Mr. Akash Sharma and welcome to the Raghuvansh Convent School. Yes, students, this is your computer period, class 10 and chapter 3. Chapter 3 में हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ चुके थे, तो आइए आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं. Chapter 3 जो आपका है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको पूरा जो है डाटा मैनेजमेंट टूल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक्सेस होते हैं इनके बारे में आपको बताया गया था, जिसमें कि एक आपको बहुत डिटेल से आपको डिस्कस किया गया था स्प्रेडशीट के बारे में. स्प्रेडशीट किस टाइप से वर्क करती है, लास्ट क्लास जो लगी थी वो लाइव क्लास थी, तो जिसमें कि आपने इन सब चीज़ों को क्लियरली देखा था. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. इसके जो न्यू डाटा बेसिस होते हैं वो किस टाइप से वर्क करते हैं. न्यू डाटा बेस जो अपने एक्सेस को स्टार्ट एक्सेस फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू और फ्रॉम अ शॉर्टकट, इसको आप स्टार्ट करते हैं. अ गेटिंग स्टार्टेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेज अपीयर्स, क्लिक ऑन न्यू ब्लैंक डाटाबेस टू ओपन अ न्यू डाटा शीट एंड यू विल सी द फॉलोइंग प्लेन ऑन द राइट. इन द ब्लैंक डाटाबेस में इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप ऑफ फाइल नेम ऑफ यूजर यूज द ऑन द वन दैट इज प्रोवाइड टू फॉर यू, क्लिक ऑन क्रिएट पर. जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्योंकि ये पूरा एक फॉर्मेट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन किया जाए, एक फॉर्मेट है. इस फॉर्मेट के थ्रू आपको डाटाबेस न्यू डाटाबेस जो क्रिएट करना होता है वो उस पर आप पहुँचते हैं. तो यहाँ पे आप ओपनिंग एंड एक्सेस डाटाबेस, यहाँ पे जैसे ही आप ओपनिंग करते हैं इस पर, तो व्हेन यू क्रिएट अ डाटाबेस एक्सेस एट द फाइल नेम एंड लोकेशन ऑफ द डाटाबेस टू एन इंटरनल लिस्ट ऑफ द मोस्ट यूजेस डॉक्यूमेंट्स, जो आपके यूजफुल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके यूजफुल डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको कर देते हैं कि जो आपके मोस्टली यूज होते रहते हैं. काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं या फाइल्स ऐसी होती हैं जो महीनों से या सालों से ओपन भी नहीं की गई होती, उसको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली नीचे की साइड पर या फिर बैक साइड में उसको शो करता है, ताकि वो बार बार सामने ना आए. हमारे सामने हमारी जो रिसाइकलिंग यूज़ की जाने वाली फाइल्स हैं उनको सामने रखा जाता है. ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और डाटा बेसिस के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे. इसके बाद डाटा के टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं. यहाँ पे आपको डाटा के टाइप्स के बारे में बताया जा रहा है कि डाटा जो है किस टाइप से अपना वर्क करते हैं. यहाँ पे डाटा टाइप ऑफ फील्ड ऑल्सो डिटरमाइन मैनी अदर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ फील्ड लाइन. यहाँ पे डाटा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज के बारे में आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे कि यूजिंग द फील्ड इन एक्सपेंसिव द मैक्सिमम साइज ऑफ अ फाइल वैल्यू वेर द फाइल कैन बी इंडेक्सेड और विच फॉर्मेट कैन बी यूज विद द फील्ड. तो यहाँ पे आप फील्ड के साथ में इसको यूज कर सकते हैं. इसकी जो फाइल का साइज है उसको भी आप छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग या अपनी फाइल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ काफ़ी जो लार्ज फाइल्स होती हैं वो शेयरिंग के टाइम पे भी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो शेयर बड़ी फाइल को शेयर होने में या तो प्रॉब्लम आती है या फिर उसको ये हो जाता है कि वो शेयर ही नहीं होती है, तो इसलिए आप इसके साइज को भी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं. नेक्स्ट जब यहाँ पे दिया जाता है अटैचमेंट्स, ऑटो नंबर, करेंसी, डाटा डेट एंड टाइम और मेमोज के बारे में एंड नंबर्स ओआरसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे दिया है. यानी कि सारे फीचर्स जैसे कि डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसकी जो हाइपरलिंक होती हैं उन पर भी आप अपनी द फील्ड इज यूज टू स्टोर द हाइपरलिंक, फॉर एग्जांपल एन ईमेल एड्रेस और यूआरएल. यहाँ पे ये डाटाबेस आपकी ईमेल एड्रेस को भी यूज करता है. करेंसी के बारे में द फील्ड इज यूज टू स्टोर मॉनिटरिंग डाटा, डाटा इज करेंसी फील्ड इज नॉट राउंडेड ऑफ ड्यूरिंग कैलकुलेशंस, करेंसी फील्ड इज एक्यूरेट टू 15 डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड 4 डिजिट्स टू द राइट. तो डेसिमल साइड में आपको 15 डिजिट्स तक मिल जाते हैं, जबकि राइट साइड में आपको 4 डिजिट्स तक की बैलेंसी या फिर आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडशीट का वर्क होता है. और मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर का जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो यही है कि पूरे चैप्टर का जो यूज है, सॉरी जो पूरे स्प्रेडशीट का यूज है वो किस टाइप से वर्क कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना वर्क कर पाता है, क्योंकि स्प्रेडशीट का वर्क आप देखते हैं ऑल ऑफिस वर्क में, स्कूल
स्कूल वर्क में या फिर जितनी भी कंपनीज होती है वहाँ पे स्पिरिचुअल की जरूरतें सबसे ज़्यादा होती हैं। आप अपने स्कूल में भी सिटिया आप देते रहते हैं, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का एक ही चीज़, एक ही क्वेश्चन पेपर को ऑनलाइन पहुँचाना, ऑनलाइन सबमिट करना, चेक करना, ये सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना डिफिकल्टी वर्क होता है कि सभी के साथ में एक ही टाइम पे एक ही चीज़ को फॉलो करना या करवाना। तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट का वर्क ऑफिस में और बैंक में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा। बैंक में तो और कितना ज़्यादा डिटेल्स रहती है, यानी एक ही टाइम पे एक बैंक है, कोई भी सपोज दैट आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके चलते हैं, तो एक ही टाइम पे उसकी लाखों ब्रांचें हैं और वहाँ पे कितने सारे लोगों का अकाउंट एक ही टाइम पे ओपन हो रहा है, न्यू अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो पुराने हैं वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब कितना सारा जो अलग अलग टाइप के प्रोसीजर्स और वर्क होते हैं एक ही टाइम पे एक ही सेकंड में किए जाने हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो डाटा बेसिस प्रोग्राम्स हैं एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो वर्क करते हैं। अपने स्कूल्स में भी अब वैसे तो इंटरनेट पहले भी था, लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल करवा दिया गया है। तो आप सभी जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे तो इंटरनेट के थ्रू आपको सिस्टम्स में एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशंस में वर्क करना है, स्प्रेडशीट क्रिएट करना, आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, आपकी कोई भी प्रेजेंटेशंस है उनको क्रिएट करना, प्रेजेंट करना, ये सभी आपको अब धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। तो आई होप आपको आज का जो चैप्टर है इसी बेस पर है, ऑफिस वर्क के बेस पर है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप उसको ज़रूर क्लियर करें। वैसे 10th क्लास में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक कॉपियाँ चेक नहीं हो पाई हैं। तो 3rd चैप्टर जैसे अभी कम्प्लीट हुआ है, 3rd के आपको PDF भी सेंड कर दी जाएगी, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने 2nd चैप्टर चेक नहीं करवाया है। सभी लोग अपनी अपनी कॉपियाँ टाइम टू टाइम चेक करवाएं, CTC एग्जाम्स में या बाकी जो एग्जाम्स होने वाले हैं जिसमें आपको क्लास वर्क के मार्क्स दिए जाते हैं, एक्टिविटीज़ के मार्क्स दिए जाते हैं, वो इसी बेस पर दिए जाएंगे। आपका वर्क कितना कंप्लीट है, आप कितना एक्टिव रहते हैं अपने स्कूल ग्रुप्स में, अपने टीचर्स की कितनी बात को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कितना उस पर वर्क कर रहे हैं, ये आपका पूरा एक्टिविटीज़ में यही सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो आई होप आप सभी लोग बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप सभी का जो अभी तक का वर्क है ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन एक दो जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू है तो आप शेयर करें, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएं, जितना होगा स्कूल की तरफ से उसको आपको क्लियर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम एंड स्टे सेफ।